एक अंग्रेजी का लफ्ज है, आप उसको किस तरह पढ़ते हैं? IMPOSSIBLE। क्या इम्पॉसिबल? यस। इफ यू रीड इट आई एम पॉसिबल देन नथिंग इज बियॉन्ड योर रीच। मेरे वालिद जब मैं पैदा हुआ तो जेल में थे। यस, मेरी मां का कोई घर नहीं था, वो अपने मामू के घर थी जहां मैं पैदा हुआ। मैंने 6 साल की उम्र में पहली दफा अपने वालिद को अपने घर पे देखा। जब अबू जेल में गए तो उन्होंने ये नेवर वेंट टू स्कूल। 6 साल के बाद जब वो वापस आए वो MA कर चुके थे। वो हाई कोर्ट के वकील थे, 12 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। सिफारिश पे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। मिली मिली सिफारिश पे, लेकिन भी होने से नहीं हुआ। मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि अब झूठ बोलने की शायद वक्त नहीं रहेगा। सारी उम्र वो मैं जो कह रहे थे कि दूसरों के नोट्स पढ़ के पास हुआ। क्यों? जब दूसरे बुलाते तो मुझे अपना टाइम बुलाया करने की क्या जरूरत। अभी कितने पहले 4 या 5 महीने पहले मुझे लंच वालों ने बुलाया हुआ था। उसमें एक बड़ी मेन थी जिन्होंने सारी उम्र ए स्टार लिए और पता नहीं बुला रहा क्या कुछ किया। वो हार्डवर्क को स्ट्रेस कर रही थी। मैं सामने कह रहा था जी डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन हार्डवर्क, देन देयर इज स्मार्ट वर्क, व्हाई यू हैव टू वर्क हार्ड। और लंच के जो डीन जो निकाल के फिर उन्होंने बुला दिया तो हमारे बच्चे खराब कर दिए। एनीवे मास्टर्स दूसरों के नोट पढ़ के किया। आज भी हमारा एक दोस्त है यार सेक्रेटरी है, वो मुझे कहता है मेरे नोट ना होते तुम नौकरी में ना आते। एनी टाइम उसके नोट पढ़ के पास हो नौकरी इसी तरह की। 2 दिन 12 बजे दफ्तर जाना, उसके बाद जल्दी से काम खत्म करना, फिर बाहर निकल जाना वार्की करनी। और आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट सेक्रेटरीज the government of Pakistan. He is not youngest and junior most secretary in the government of Pakistan. लेकिन आज भी मेरा दफ्तर में 2-3 घंटे तो ऊपर दिल नहीं लगता, क्योंकि अगर दिल लगेगा तो मैं भी कोई काम करूंगा जो दूसरे कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। Believe you me, please vote ना करना मेरी नौकरी, छोटे छोटे मेरे बच्चे मारे जाएंगे। सारा दिन तो हमें कुछ स्टाफ ठीक करते हैं जो BA पास डॉक्टर बड़ा अच्छा कर सकता है। सारा दिन यहाँ कंसीडर लिखना था या प्रपोज लिखना था। लेके सूट चढ़ता गया, सूट चढ़ते चढ़ते इसके जैसे अभी सूट हमारी प्रॉपर्टी से लगा हमारे घर पे गए। मेरी अम्मी के और मेरी बहन के लेवल पे एकदम मैं गया वापस आया। हम दोनों इस तरफ आए, एक मेरी बहन और एक मैं। वो मुझे मुझे आज नहीं भूलता जब मैं वापस घर पे आया था मम्मी के हाथ में चूड़ियां नहीं। और मैं बताऊं कुछ भी खबर नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ सिर्फ एक चीज